राम राम लद्दड़ और यहाँ एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में तीन चार ट्रेलर के ऊपर बात करेंगे और मूवीज के बारे में बात करेंगे और कुछ कॉन्ट्रोवर्सियल कह जाऊंगा ताकि मेरे व्यूज आ जाए। और थैंक यू गाइस, तुमने पिछली वीडियो पे गजब सपोर्ट दिखाया, मतलब ठीक है व्यूज आ रहे हैं बट ड्यूरेशन बहुत कम है, तो देख लो वीडियो अच्छी बनाई है, एडिट अच्छा करने लगा हूँ मैं, हाँ करने लगा हूँ। और मुझे पता है तुम सालों क्यूटीज की वजह से देखते हो मेरी वीडियो, तो इस वीडियो में क्यूटी हो सकती है, एक तुम्हें लगनी चाहिए, मेरे को नहीं पता कि तुम्हें लगती है कि नहीं। तीन ट्रेलर के बारे में बात करूंगा। सबसे रिसेंट जो देखा वो है मैदान का ट्रेलर, जो कि एक मूवी होने वाली है, स्पोर्ट्स ड्रामा, अजय देवगन स्टारिंग, बोनी कपूर डायरेक्टिंग, मैदान अजय देवगन है लीड में, कोच का रोल निभा रहे हैं जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल ये तीनों शब्द एक साथ, हाँ एक साथ, इन तीनों को एक साथ करा था और गए थे इंडिया को रिप्रेजेंट करने फीफा में, तो समझ रहे हो बड़ी बातचीत। अब मैं तुम्हें बताना चालू करता हूँ, तो मैदान मूवी ऐसे ट्रूली कहूँ तो मेरे को लग रही है कि कुछ अच्छा मूवी बन जाएगी है। जैसे चक दे इंडिया देखा है ना तुमने, फीमेल ओरिजिन मतलब फीमेल्स हॉकी को बहुत आगे लेके गई है, मतलब लगता है कि हाँ भाई कुछ है। वो चक दे इंडिया गाना चलता रहता ना आज तक भी, मुझे लग रहा है कि अगर फुटबॉल सीन को बदलना तो ये मूवी बहुत अच्छे से बदल सकती है, मतलब मेरी एक होप सी है इस बीच में कि हाँ कुछ अच्छा होगा। हाँ तो मेरी होप है मैदान मूवी से कि ये मूवी कुछ ना कुछ अच्छा कर देगी हमारे फुटबॉल सीन के साथ, और अगर उसमें से 1% भी हो जाता तो सुनील छेत्री तो हमारी टीम से ही, और टीम अगर कुछ भी जोर लगा देती मजा आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ पर्सनली कि मैं फुटबॉल मतलब एज अ फुटबॉल प्लेयर ठीक है डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ मैं ठीक है अपने स्कूल के लिए, मैं अभी भी उसको मतलब उस सीन को मैं अगर रिक्रिएट करूँगा ना मेरे लिए मूवी वाला सीन हो जाएगा। और इसी से याद है मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, अभी मैंने एक मूवी बनाई है, शॉर्ट फिल्म, मूवी नहीं शॉर्ट फिल्म बनाई है, देखनी हो तो देख लेना आई बटन पे मिल जाएगी। और हाँ मूवी भी बनाऊँगा, उस सीन को परफेक्टली बनाऊँगा यार, वो जो सीन था ना मतलब मैं उस टाइम मैं अपनी मूवी का हीरो था, मतलब मैंने शूट करा गोल के अंदर गई और गोल स्टड फट गया भाई मेरे लास्ट स्टड, मतलब जो फुटबॉल खेलने वाले शूज़ होते हैं अगर किसी को नहीं पता तो वो पूरे फट गए थे, फटने वाले थे बस इतने जब थे, और मैंने किक करा और वो फट चुके, गोल हुआ है सब चिल्ला रहे, मतलब वो रियल फील देता है मेरे को एज अ हीरो। बहुत हो गया, वैसे मैं अपनी बेइज्जती करता हूँ, आज मैं अपनी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, आज अपने को हीरो जैसा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अच्छा लग रहा है दिल से। तो दूसरा जो ट्रेलर है वो मैंने देखा वीर सावरकर की लाइफ के ऊपर है, और वो मैं लिटरली कह रहा हूँ, और उसमें तुम रणदीप हुड्डा को देखो, मतलब उस कैरेक्टर को जो वॉयलेंस चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ वीर सावरकर के बारे में, तो सॉरी गाइस, अब इसको तुम मेरी गुस्ताखी कह लो या हमारी गवर्नमेंट पुरानी वाली या अभी वाली कोई सी भी, मतलब उन्होंने टेक्स्ट बुक में बहुत कमी डाल रखा है, तो मेरे को गाली दे सकते हो अगर मैं नहीं जानता इसलिए तो, बट हाँ गवर्नमेंट को भी समझनी चाहिए कुछ कुछ तो बताएं भाई, इतने बड़े बड़े लोगों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। बट हाँ जो एग्रेशन है ना उस कैरेक्टर में, मतलब मैं विवाद हो जाए और मैं विवादों में फंसना नहीं चाहता, पर व्यूज तो विवाद से ही आते हैं, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा मैं देखूँगा, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, सेंट्रलिस्ट हूँ मैं, नहीं पता तो गूगल कर लेना ठीक है सालू, अब ये भी मैं करके देखूँ, चलो ठीक है ये लो ये मतलब। चलो तीसरी और आखिरी ट्रेलर के बारे में बात करते हैं, जो कि इतना प्रोमिसिंग नहीं था टू बी ऑनेस्ट, बट मैं ऐसी एक रैंडम फीड अपनी चेक कर रहा था और उसमें मेरे को दिखा और मैंने वो देखा, वो प्रोमिसिंग लगा लिटरली, सारा लिखान और प्रोमिसिंग मूवी बहुत कम होता है, उसके साथ कोई अच्छी कास्ट होती है तभी ऐसा लगता है, बट नहीं अमेजोन प्राइम, अमेजोन प्राइम जो भी पुरानी चीज़ें उठा रहा ना क्लासिक बना रहा, मतलब मुझे पसंद आती हैं पर्सनली, जैसे जुबली बनाई थी क्लासिक 90s के एक मूवी प्रोडक्शन हाउस के बारे में बनाई थी, और वो जो चीज़ है उसमें तुम्हें अपार शक्ति की जो अभी तक की सबसे बढ़िया एक्टिंग है ना वो दिखेगी अपार शक्ति खुराना की, तो नहीं देखी है तो भाई ज़रूर देखना, बहुत अच्छी सीरीज है जुबली, और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं ग्रे बिल्कुल ग्रे भाई साहब मजा, सारा अली खान एक फ्रीडम फाइटर का रोल निभा रही है जिन्होंने सबसे पहले अपने इंडिया में एक रेडियो स्टेशन स्टार्ट किया था आज़ादी के लिए, और वो चला भी उसी की वजह से स्टार्टिंग हुई हमारे रेवोल्यूशन की, जो कि मूवी में दिखाया जाएगा, और मैं एक्साइटिंग हूँ उसमें जो रेवोल्यूशन के बीच में जो अड़ंगे डाले हैं अंग्रेजों ने, हुली हुली साजना धीरे धीरे बालमा ओ हो हो वो देखने में, और सारा अली खान को देखने में एज अ रेडियो जॉकी, हाँ रेडियो सबसे पहली रेडियो जॉकी इंडिया की, तो फीमेल रेडियो जॉकी जो थी वही थी, तीनों जो प्रोजेक्ट मैंने बताया उन पर मैं एक्साइटेड हूँ। हाँ तो आज की वीडियो इतनी थी, मेरा ओपिनियन तुम्हारे लिए, और एक चीज़ कहूँगा थैंक यू गाइस, तुमने 5 सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाए, 4 सब्सक्राइबर बढ़ाए, दिल से खुश हूँ मैं, मतलब तुम्हें क्या ही बताऊँ, व्यूज़ पहली वीडियो मेरी 500 व्यूज़ के पार गई है, तो एक होता है ना दिल में टच हुआ, यहाँ दर्द नहीं हुआ खुशी हुई, तो थैंक यू गाइस सब्सक्राइब करने के लिए, और
तुम सभी स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बुरी नजरों से दुरुस्त रहो, सब्सक्राइब करके जाना। और एक और चीज़ मैं पर्सनली बताना चाहता हूँ, मैंने पिछली वीडियो में नहीं कहा था तो अभी मैं कह देता हूँ, 18 तक मैं शायद से वीडियो अपलोड नहीं कर पाऊँ नेक्स्ट, उसके बाद ज़रूर आएगी, चिंता मत करो। और तब तक मैं बीच में कुछ देखूंगा भी नहीं, प्रॉमिस, बंटी प्रॉमिस, ठीक है? तो तब तक मैं तुम्हें मिलता हूँ अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। और हाँ, 18 के बाद मिलता हूँ, वेट करते रहना, तुम्हें तो पता ही है मैं तुम्हें से कितना प्यार करता हूँ।